हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। और फिर वही, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो वैट के लिए होगा। अच्छा, वैट का सॉफ्टवेयर बनाते समय दिक्कत ये होती है कि जो वैट लगाया जाता है उसमें एडिशनल टैक्स भी इंक्लूड करा जाता है, तो दोनों को कंबाइंड कैसे किया जाए, परसेंटेज को दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, कुछ ऐसा करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। ये जो न्यू है इस पर क्लिक किया और नया एक ब्लैंक डेटाबेस हम ले लेते हैं। तो यहां इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा। इसका चाहे तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, यहां व्यू पे जाएंगे। अब क्योंकि मैं 2021 यूज कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 वर्जन यानी 2021 वर्जन, ठीक है। और यहां पर वैट कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूं, वैट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जीएसटी के लिए भी बना सकते हैं। जीएसटी के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहां से चाहे तो आप इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं, वैसे यहां पर ऑटो नंबर रखेंगे तो नंबर अपने आप आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऑटो नंबर ही रख लेते हैं, बेटर है। और फील्ड नेम में लिखेंगे यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वैट किस पे लगेगा, प्रोडक्ट्स पे लगेगा, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट्स यहां करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्राइस उसकी, तो यहां प्राइस कर दिया। और फिर यहां पर बात आएगी कि कौन सा डेटा टाइप रखा जाए। तो देखिए, बहुत सारे डेटा टाइप आपको यहां पर डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, लार्ज नंबर है, डेट एंड टाइम है, टाइम एक्सटेंडेड है, ऑटो नंबर है, तमाम डेटा टाइप है। तो फिलहाल हमें यहां रखना है क्या, करेंसी, तो करेंसी रख लेते हैं। और यहां पर यूनिट की बात आएगी, यूनिट तो कितने यूनिट बिका, एक यूनिट, दो यूनिट, पांच यूनिट, दस यूनिट, तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, नंबर रख करके और इसे बना देंगे डबल। तो यहां पे खाली डी प्रेस करेंगे, डबल अपने आप आ जाएगा, या यहां से ड्रॉप डाउन से आप जा सकते हैं। तो देखिए, ये डबल कर देना है किसी तरीके से आपको। और यहां पर चूंकि 2021 है तो अलग से क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक फायदा रहता है 2021 में। तो यहां पर आएंगे और कैलकुलेटेड ले लेंगे, कैलकुलेटेड जैसे ही लेंगे यहां पर आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट से। इस तरीके से आप कर दीजिएगा तो आपका टोटल तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टोटल में क्या होगा, आपका टैक्स छिपा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहां पे लगाना है वैट, तो वैट लगा रहा हूं। अब ये वैट लगेगा परसेंटेज में, ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं वैट इन परसेंट, ठीक है। तो अब परसेंट में ये वैट लगेगा तो करेंगे क्या, तो यहां नंबर रखेंगे और यहां पर बना लेंगे डबल। और फॉर्मेट इसका क्या रखेंगे, फॉर्मेट रखेंगे इसका परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां ड्रॉप डाउन से जाइएगा तो यहां परसेंटेज मिलेगा, तो ये परसेंट फॉर्मेट कर लीजिएगा। और यहां पर एडिशनल टैक्स भी आएगा, जो मैं कह रहा था अभी, एडिशनल टैक्स। तो दोनों को जोड़ करके कैसे लेके आना है, एडिशनल टैक्स कर देता हूं, टीएएक्स। तो दोनों को जोड़ करके कैसे लाएंगे, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है हमारे साथ। तो ये एडिशनल टैक्स कर देते हैं और यहां पर आकर के और दोनों को जोड़ के लेके आना है। तो अभी तो फिलहाल इसको नंबर ही रखना होगा, और सेम जैसा उसमें किया वैसे इसमें भी करेंगे। यहां पर डबल बनाएंगे और इसको रखेंगे परसेंटेज का फॉर्मेट, तो यहां पर ही आएंगे तो ये परसेंट का फॉर्मेट हो गया। अब इन दोनों टैक्सेस का टोटल करना है, ठीक है। तो यहां पे टोटल टैक्स इन परसेंटेज, परसेंटेज कर देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर वापस कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा, तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहां पर कर देते हैं। और करने के बाद क्या करना है, बहुत आसान है, वैट इन परसेंट जो दिया गया है वही यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको, वैट इन परसेंट जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे लिख दीजिए, ये हो गया काम। और प्लस करिए और फिर क्या है, एडिशनल टैक्स, तो जैसे लिखा गया एडिशनल टैक्स वैसे यहां पे लिख दीजिए एडिशनल, और फिर यहां पे कर दीजिए टैक्स, तो बस हो गया काम। इतने से आपका काम हो जाएगा और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली, ये सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, अभी तो फिलहाल ये टेबल व्यू में है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इसका कमाल। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम हम डालने वाले हैं। तो यहां पर मान लीजिए हमने प्रोडक्ट का नेम डाला लैपटॉप, लैपटॉप लिख दिया प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो लैपटॉप लिखा, अब लैपटॉप की कीमत आएगी, तो मान लीजिए लैपटॉप है 40,000 का, तो यहाँ 40,000 कर दिया, 40,000 कर दिया, और ऐसे ऐसे पांच लैपटॉप परचेज किए गए तो उसकी कीमत अपने आप आ गई, ठीक है। अब यहां पर वैट लगाने वाली बात है, तो वैट मान लीजिए 5% लगाया गया, 5%, तो यहां पर देख सकते हैं वैट 5% लगाया गया, तो यहां पर टैक्स, यहां पर टोटल टैक्स देखिए, ये टोटल टैक्स आ रहा है अभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर है आपका एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स मान लीजिए 5% और लगा दिया गया, तो कुल मिला के कितना हुआ, 10%। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर ये 0.1 हो गया,
तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कैसे ये करना है वो समझा देता हूं। देखिए, जब आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहले टैक्स इन परसेंट को ये हटा दिया, कट कर दिया इसे। अब यहां पर टोटल टैक्स करना था ना, टोटल टैक्स यहां लिखेंगे टोटल टैक्स, ठीक है, इस टैक्स। और यहां पर क्या करूंगा, यहां पर सीधा सीधा आ जाऊंगा नीचे और कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लूंगा, सीधा कैलकुलेटेड डेटा टाइप। और यहां पर सबसे पहले वैट इन परसेंट लेके आऊंगा, प्लस करूंगा यहां पर क्या, एडिशनल टैक्स। तो यहां पे ए जैसे ही प्रेस करूंगा एडिशनल टैक्स आता हुआ नजर आएगा, टैब प्रेस कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब यहां पर एक काम और करना होगा आपको, ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना, इस फॉर्मेट को आपको बदलना होगा। इस फॉर्मेट को क्या रखना है, परसेंट रखना है, तो यहां से परसेंट रख लीजिएगा, बस काम हो गया है, ठीक है, डोंट वरी, काम हो गया है। देखिए मैं दिखाता हूं, यहां पे परसेंट जो आ रहा है ना, इसको परसेंट जो है इसको यहां पे परसेंट रखना है, ये जो फॉर्मेट आ रहा है नीचे इसको परसेंट रखना है, और बस ओके करिएगा। अब देखिए यहां पे 5 और 5 10% आ गया टोटल टैक्स, तो आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कैमरा करते हैं, कैमरा, तो ये कैमरा जो है मान लीजिए 30,000 रुपए का है, 30,000, और मान लीजिए 6 कैमरा परचेस किए गए, यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई और इस पे 12% का टैक्स लगा, ठीक है, वैट लगा 12% का। एक बात कह रहा हूं, वैट 12% का लगता नहीं है और 3% का एडिशनल टैक्स लग गया, तो कितना हो गया, 15% आ गया ना, तो आसानी के साथ ये कैलकुलेट हो जा रहा है। एक बार और चेक करते हैं, इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे माउस लिखता हूँ, माउस की प्राइस कितनी है, 230 रुपए का एक है और 56 माउस परचेस किए गए और उन पे टैक्स कितना लगा, 10% का, तो यहाँ 10 बस लिखता हूँ, परसेंट तो अपने आप आएगा और एडिशनल टैक्स 2% का लगा, तो 12% अपने आप आ जा रहा है। देखिए आ जा रहा है कि नहीं, आसानी से आ जाएगा और ये आपको सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सवालों के लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।